सब गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर एडिटिंग वीडियो। तो आज की एडिटिंग होने वाली है कुछ इस तरह की। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें जो पिक है हमने पिक्सार एप्लीकेशन में शेयर कर दी है, तो आप भी वही करना। आपको जो अपनी पिक है पिक्सार एप्लीकेशन में शेयर करनी है। एंड उसके बाद जाएंगे हम ड्रॉ टूल में। सो गाइस, ड्रॉ टूल में आने के बाद हमको जाना है यहाँ पे लेयर्स के ऑप्शन में। एंड लेयर्स में ऑप्शन में जाने के बाद हमको जाना है ऐड फोटो। सो गाइस, हमें माय पिक है वो वहाँ पे ऐड कर दी है इसके अंदर। हम जाएंगे लेयर्स के ऑप्शन में। एंड यहाँ पे जो इसकी ऑपेसिटी है वो हम कम कर देंगे एक बार के लिए। एंड हमको जो पिक है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे इसको। सो ये कुछ इस तरह हम इसको ऐड कर लेंगे। डन। अब हम जाएंगे इरेजर सेलेक्ट करेंगे, इरेजर पे जाएंगे। एंड यहाँ पे जब देख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑपेसिटी फुल एंड जो हार्डनेस है वो 95 बिलो रहनी चाहिए। सो इसको हम इरेज कर लेंगे। सो गाइस, हमने हमारी जो पिक है अच्छे से इरेज कर ली है। एंड हम जाएंगे ब्रश टूल में। एंड यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रश की ऑपेसिटी जो देख सकते फुल रखी है, हार्डनेस हल्की से बढ़ाई अपन ने। अब हम जाएंगे कलर्स के ऑप्शन में यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो कलर है सिलेक्ट कर लेंगे, तो अपने पिक के हिसाब से कलर सिलेक्ट कर लेना कितना करना है। और हमको यहाँ पे जाना आपकी जो लेयर सिलेक्ट करके, यहाँ पे आपको दिख रहा नॉर्मल किया हुआ है तो इसको हमको करना है ओवरले। एंड इसको जूम करके आपकी जो आउटर लेयर है, आउटर सर्कल है, उस पर हमको सिंपली जो है ब्रश करना है। कुछ इसको ऊपर लिखेंगे पहले। एंड यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर ब्रश करना है। सो गाइस, हमें जो कलर है वो कर दिया है। एंड हम जाएंगे फिर से एम्प्टी लेयर में। यहाँ पे एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करेंगे। एंड हम जाएंगे कलर, तो हम कलर पिक कर लेंगे अपना। तो मैंने ये कलर पिक करके रखा है, ऐसा कलर पिक कर लिया। एंड हम जूम करेंगे इसको। एंड जो अंदर की लेयर है उस पर हम कलर करेंगे कुछ ऐसे। एंड इसको जो इसको हम कर देंगे ओवरले। सो इजी रहेगा हमारे लिए वो, तो इसको हमने ओवरले कर दिया। एंड हम कुछ कलर कर देंगे। सो गाइस, हमने हमारा जो कलर है वो इसके अंदर कर लिए हैं। एंड हम जाना है फिर से, हमको जाना है एम्प्टी लेयर सिलेक्ट करनी है यहाँ से। एंड ऐड फोटो में जाएंगे। सो यहाँ से हमें जो फोटो हमारी ऐड कर ली है इसके अंदर। एंड इसको हम कर देंगे पहले स्क्रीन। एंड अब इसको हम करेंगे जूम, जिस तरह बड़ा करेंगे इसको। एंड नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे कुछ ऐसे। डन। हम फिर से जाएंगे एंड यहाँ पे एम्प्टी लेयर सिलेक्ट करेंगे ऐड फोटो में। तो गाइस, अब हमने एक सिलेक्ट कर लिया है बोके का एक ऑब्जेक्ट ऐसा, इसको हम स्लैंट टेढ़ा करेंगे, इसको कुछ इस तरह करेंगे इसको हम। एंड यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। एंड इसको जब बड़ा कर लेंगे, एंड इसको हल्का सा ऊपर ट्रैक कर देंगे कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे टैप कर देंगे सिंपली। डन। हमको जाना है फिर से एम्प्टी लेयर में। सो गाइस, हमने जो PNG है यहाँ पे ऐड कर दिया इसके अंदर ये वाला। एंड इसको हम सिंपली कर देंगे यहाँ से स्क्रीन। डन। हम देख सकते हैं। एंड इसको यहाँ पे ऐसे सिंपली छोटा करेंगे इसको पूरा। ओके, टैप कर देंगे। एंड हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको आपको फ्लिप का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर क्लिक कर देंगे। एंड इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सो डन करेंगे। सो गाइस, हमारी जो पिक है ऑलरेडी जो है पिक्सार्ट ने बन चुकी है। अब हमको जाना है लाइट रूम ऐप में, वहाँ पे हम करेंगे इसकी कलर ग्रेडिंग। सो आप यहाँ पे स्क्रीन से आप अपनी पिक है उसको सेव कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हमने हमारी जो पिक है इसके अंदर लाइट रूम में ऐड कर दी है। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं कलर ग्रेडिंग। तो फर्स्ट ऊपर जाना है हमको इस टूल में, यहाँ पे टाइप करेंगे सिंपली। एंड जिसका टेम्परेचर है इसको करेंगे माइनस। इसका जो टिंट हम ऐड करेंगे इसको जितना। एंड वाइब्रेशन इसका बढ़ा देंगे समथिंग इतना। एंड सैचुरेशन हल किसी बढ़ानी है इसकी बहुत कम। हमको जाना है ऊपर मिक्स टूल में, टैप किया पिंक कलर जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो इसको हम इतना कर देंगे। फिर सैचुरेशन माइनस में कर देंगे। एंड पर्पल कलर को हम इसको माइनस करेंगे इसका यूवी। ब्लू कलर का जो यूवी है इसको भी हम हल्का सा माइनस करेंगे। एंड सैचुरेशन भी हल्के से माइनस करेंगे। एंड लुमिनेंस जो है इसकी हम माइनस कर देंगे। हमको जाना है नियन कलर में, तो यहाँ पे नियन कलर दिख रहा है आपको, तो इसमें कलर सैचुरेशन हल्की सी बढ़ाएंगे इसकी। एंड लुमिनेंस हल्की सी माइनस करेंगे। ग्रीन कलर, तो इसका सैचुरेशन पूरा कम कर देंगे हम।
येलो कलर, तो इसका हम जो सच यू जो है इसको हम बढ़ा देंगे। एंड ऑरेंज कलर, तो इसके अंदर भी इफेक्ट पड़ रहा है इसका, तो इसको हम सैचुरेशन हल्की से कम करेंगे, इसके लुमिनेंस बढ़ा देंगे। और रेड कलर का भी हमको चेंज करना है, तो रेड कलर हम हल्का सा ऐड करेंगे एंड सैचुरेशन कम करके इसकी लुमिनेंस बढ़ा देंगे। सो हमको जाना नेक्स्ट टूल में इस पर, तो इसका क्लैरिटी हल्की से बढ़ाएंगे, डिहेज हल्का सा बढ़ाना है हमको एंड विग्नेट इतना करना है। नेक्स्ट में बताते हैं, तो उसकी शार्पनेस जो हल्की सी बढ़ाएंगे अपन, मास्किंग हल्का सा एंड नॉइज जो भी वो भी हल्का सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। फिर हमको जाना है फोर्स वाले टूल में, तो इसका जो एक्सपोजर है हमको हल्का सा माइनस करना है, बहुत कम कुछ इतना। एंड कॉन्ट्रास्ट जो इसका कम रखना है हमको, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही। हाईलाइट्स भी कम, शेडोज़ भी कम, शेडोज़ थोड़े कम। एंड वाइट्स भी कम रखना है इसके, ब्लैक्स भी कम रखना है। फिर हमको जाना है ऊपर सिलेक्टिव टूल में, यहाँ पे जाने के बाद हमको यहाँ पे ऐड करना है इसको एंड यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। सिंपली हमको यहाँ पे टैप करना है एंड सेंटर वाली लाइन है उसको ड्रैग करना है एंड इसको नीचे से करना है ऐसा, हल्का सा टेढ़ा कर देंगे इसको जितना। एंड यहाँ पर टेम्परेचर दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है, इसको हल पूरा ब्लू करना है इतना। एंड इसका जो एक्सपोजर है वो हम कम कर देंगे। तो हमको अगेन जाना है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सो सिलेक्ट करके उस पर ऊपर टैप करना है एंड इसको हल्का सा ऊपर ड्रैग करना है इतना इतना। एंड इसका टेम्परेचर हम हल्का सा बढ़ा देंगे, डन। अब सेम हमको यहाँ पर जाना है प्रोफाइल सी टूल में, प्रोफाइल जाकर सिलेक्ट करनी है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना प्रोफाइल। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मॉडर्न 8, तो मैंने इसको इतना रखा है कुछ इतना। डन करेंगे यहाँ से और हम जाएंगे फिर से यहाँ पे ऐड करके, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है, स्प्लिट टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। एंड जो इसका शेडोज जो हमको मैं इतने रख रहा हूँ यहाँ पे एंड हाई सॉरी शेडोज जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कुछ इतना एंड हाई हाईलाइट जो है मैंने यहाँ पे रखे हैं, उसको आप बैलेंस कर लेंगे अपने हिसाब से। तो विच वन इज बेटर, ये सही लग रहा है मेरे को, तो मैंने यहाँ पे डन कर दिया इसको। एंड हमको जाना है फर्स्ट टूल में, यहाँ पे यहाँ पे जो कर्व टूल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है एंड जो नीचे से लाइन है पॉइंट है उसको हमको हल्का सा ऊपर ड्रैग करना है, ज़्यादा नहीं बहुत कम कुछ इतना। एंड डन, हमको जाना है यहाँ पे इस टूल पे एंड यहाँ पर डिहेज जो दिख रहा है आपको उसको हल्का सा बढ़ाना है। सो हमारी पिक जो है वो बन के रेडी हो गई है। अब देखते हैं पिक्स आर्ट ने पहले कैसी थी पिक, सो कुछ इस तरह की थी। एंड लाइट रूम में कलर ग्रेडिंग करने के बाद हमारी पिक जो है कुछ इस तरह की हो गई है। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ, थैंक यू।